कई दफा हमारे साथ ऐसे वाकया पेश आ जाते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रेयर कोइंसिडेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लाखों में सिर्फ एक दफा ही पेश आते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आजकल तो हर लड़का ही जिम में बॉडी बनाकर सब लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है। ऑफकोर्स जिम में वर्कआउट करना कोई आसान काम नहीं होता और ये हर बंदे के बस की बात भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आप जिम में एक्सरसाइज करने के लिए गए हुए हो और आसमान से मुसीबत टपक पड़े। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स जिम में वर्कआउट करने के लिए आया हुआ था। ये बंदा एक एक्सरसाइज करने के बाद आगे गया और पंखे के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अभी ये वहां पर खड़ा ही था कि अचानक छत से लटका हुआ पंखा इसके ऊपर आकर गिर गया। वेल, यहाँ तक भी ये कोइंसिडेंस काफी यूनिक था, लेकिन इत्तफाक की बात ये है कि पंखे के नीचे खड़े होने के बावजूद भी वो सीलिंग फैन इस एंगल में नीचे गिरा कि इस शख्स को एक खराश तक नहीं आई। इवन इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। एनीवे, ये बंदा सच में बहुत लकी था। दोस्तों, अगर फुटबॉल मैच की बात की जाए तो खेल के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि बॉल को हिट करने के चक्कर में दो प्लेयर्स की आपस में टक्कर हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्या हो अगर दो प्लेयर्स मैच के दौरान रोमांस करना स्टार्ट हो जाएं? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जब ऑपोजिट टीम के दो प्लेयर्स बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे थे तो ये लोग आपस में ऐसे टकराए जैसे कोई रोमांटिक कपल होता है। असल में इत्तफाक से इनकी पोजीशन ऐसी थी कि इन्हें देखकर लग रहा था जैसे एक दूसरे को चुम्मी करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे, जो भी हो, इससे पर्सनल और रोमांटिक फुटबॉल मैच आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, इसमें प्लेयर को ट्रेनिंग देने के लिए कोच जरूर होता है। वैसे तो सारे कोच ही अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये जो फुटबॉल कोच आप देख रहे हैं इसके मेथड्स बड़े ही यूनिक हैं। इस वीडियो में जब एक प्लेयर ने कोच की तरफ बॉल को हिट किया तो इसके हाथों में बुक होने की वजह से कोच ने अपनी तशरीफ से ही बॉल को कैच कर लिया। और मजे की बात ये है कि वो फुटबॉल भी एग्जैक्ट इसकी तशरीफ के नीचे आ गया और ये मजे से बॉल के ऊपर ही बैठ गया। इस फुटबॉल कोच का टैलेंट तो वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों, मई 2013 में अमेरिका के एक इलाके मायने में रहने वाला एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम रॉबर्ट मैकडॉन था, वो अपने घर से लापता हो गया। इसकी फैमिली ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन रॉबर्ट किसी को भी नहीं मिला। खैर, जब ये खबर फैली तो एक लोकल न्यूज चैनल के रिपोर्टर इसकी न्यूज बनाने के लिए इस इलाके में पहुंच गए। ये रिपोर्टर न्यूज 8 चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए रॉबर्ट के मिसिंग होने के बारे में न्यूज दे रहे थे। शॉकिंग बात ये है कि जब ये लोग लाइव न्यूज दे रहे थे तो इत्तफाक से रॉबर्ट जो कि लापता हो गया था वो अचानक से उसी जगह से गुजर रहा था। जब एंकर ने इसे देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि जिस बंदे के गायब होने की वो लोग न्यूज दे रहे थे वो खुद ही चलकर इनके पास पहुंच गया था। खैर, इस न्यूज चैनल के क्रू ने रॉबर्ट को वहीं पर रोक लिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। असल में 73 साल ये शख्स एक दिमागी बीमारी का शिकार था और अपने घर का पता भूल गया था। लेकिन इत्तफाक से जब इसके मुतालिक रिपोर्ट बन रही थी तो ये खुद चलकर वहां पर आ गया। अब इससे बड़ा कोइंसिडेंस और भला क्या हो सकता है? ये रियली अनबिलीवेबल है। Well, sometimes timing is everything, Aaron and Shannon, and good news and a happy ending right now. The gentleman behind us you're looking at, that is Robert McDonough. We were doing our last live shot at the bottom of the hour and we saw a gentleman just kind of walk up behind us. दोस्तों, अगर आपने प्लेन में ट्रेवल किया है तो आप सब जानते होंगे कि जहाज में सफर के बाद सबसे मुश्किल काम अपने सामान का इंतजार करना होता है। बेल्ट के पास खड़े हर बंदे की नजर बैग पर होती है कि हमारा बैग कब आएगा। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स का पैकेज ऐसे रोल हो रहा है कि उसे तो शायद पूरी जिंदगी भी अपना सामान नसीब नहीं होगा। असल में इत्तफाक से ये कॉटन बेल्ट पर ऐसे अंदाज से गिरा कि उसी जगह पर फ्लिप होना स्टार्ट हो गया। एनीवे, जिस बंदे का ये सामान है इसका दिन तो सच में बहुत खराब था। दोस्तों, सीढ़ी दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। आप सबको पता है कि जब बंदा सीढ़ी से गिरता है तो कम से कम इसकी हड्डी तो जरूर टूटती है, लेकिन जब किस्मत आपके साथ हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वीडियो में एक वर्कर सीढ़ी पर खड़े होकर छत की सीलिंग में कोई काम कर रहा था।
अब ये काम कर ही रहा था कि अचानक सीढ़ी का बैलेंस आउट हो गया और वो फोल्ड होकर नीचे गिर गई। लेकिन लकीली ये बंदा ऐसे एंगल में नीचे गिरा कि इसकी टांगी एग्जैक्ट सीढ़ी की एम्प्टी स्पेस में आ गई और ये सेफली जमीन पर लैंड हो गया। वैली से देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये गिरा नहीं है बल्कि सीढ़ी से जंप करके नीचे उतरा है। ये सच में कमाल है। दोस्तों आप सबने बहुत सी वीडियोस में लोगों को बैक फ्लिप मारते हुए देखा होगा। वैसे तो ये काम काफी मुश्किल है लेकिन डेली प्रैक्टिस के साथ कोई भी बंदा इजीली बैक फ्लिप मार सकता है। पर क्या आपने किसी को फ्लिप मारकर गोल करते हुए देखा है? वेल ये जो प्लेयर आप दिख रहे हैं जब इसे एक फ्री हिट मिली तो इसने कूल बनने के लिए फुटबॉल को किक लगाकर बैक फ्लिप मार दी और मजे की बात ये है कि इत्तफाक से गोल भी हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और मैच के दौरान तो प्लेयर ने नहीं बल्कि गोल कीपर ने ही फ्लिप लगाकर ऐसा सेव किया कि इसे तो देखकर ही मजा आ जाता है। ऐसे सीन रोज रोज देखने को नहीं मिलते। दोस्तों आप से जो लोग स्नूकर खेलना जानते हैं इन्हें पता होगा कि कई दफा ऐसा होता है कि प्लेयर किसी और बॉल पर निशाना लगाकर शॉट मारता है लेकिन इत्तफाक से कोई और बॉल ही पॉकेट के अंदर ढल जाती है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जब एक प्लेयर ने शॉट मारी तो बॉल टेबल पॉकेट में जाने की बजाय उड़ती हुई गई और सीधा अगले शख्स की जैकेट की जेब में पहुंच गई। इत्तफाक से इस बॉल का एंगल ऐसा था कि ये बगैर किसी रुकावट के सीधा इस शख्स की जैकेट की पॉकेट में चली गई थी। वेल ये कोइंसिडेंस सच में बहुत रेयर था।